के ना हमारा सीना चौड़ा हो गया और साथ में हमारा फैंस लोग का भी सीना चौड़ा हो गया। आप इतना अच्छा वीडियो बनाती हो, आप थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी करती हो, कॉन्ट्रोवर्सी तो पूरी दुनिया करती है, उन्हीं को भुखमरी हो रही है व्यूज की। आप तो बस अपना ब्लॉगिंग कर रहे हो शुरू से, हम तो आपका चैनल पे ना देखे ही नहीं कॉन्ट्रोवर्सी वाला वीडियो। और गोरखपुरिया भाऊजी उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। गोरखपुरिया भाऊ जी, हम ना किसी को फॉलो नहीं करते हैं, यूट्यूब वाले जितने भी है ना, किसी को भी अश्लील पसंद नहीं है। जितने भी फैंस लोग है ना, किसी को भी अश्लील उतना पसंद नहीं है जितना वीडियो बन रहा है अश्लील, तो इसीलिए सब आवाज उठा रहे हैं। और आप जो पूरा शाबाशी अपने आप को दोगे तो ये तो ना इंसाफी है भाई। मेहनत और कोई करे, शाबाशी और कोई ले, ये तो कुछ मैच ना हुआ भाई। ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा गोरखपुरिया भाऊ जी, आप ऐसे काहे करती हो हर वीडियो में। मतलब कि देखो, पूरी दुनिया अश्लील के खिलाफ है, अभी यूट्यूब पे कितने शॉर्ट बन रहे हैं, कितने लॉन्ग वीडियो बन रहे हैं, पर गोरखपुरिया भाऊ जी आप काहे दूर हट गई हैं? आप भी तो आइए, थोड़ा सा आप भी तो जीरा अदरक लहसुन छिड़क दीजिए वीडियो के अंदर, आप काहे साइड बैठ गई है जाके। तो गाइज, हम गोरखपुरिया भौजी से इतना कहना चाहेंगे, ये कह रही है जो हमने अश्लील के खिलाफ अब आवाज उठा दिया है तो आप सब उसको आगे लेके जाइए और हम अब नहीं बनाएंगे वीडियो। तो आपसे कोई कह भी नहीं रहा है अश्लील के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि आप अश्लील वीडियो खुद ही बनाती है। देवरा धोरी चटनावा तो क्या 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 ऐसे करके आप बनाती हो खुद ही, अश्लील गाना पे आप विरोध भी करती हो और भोजपुरी में से अश्लील गाना लेके उसी पे आप डांस करती हो, तो ये कहाँ का है? ये तो हमें नहीं लगता जो आप अश्लील खत्म कर रही थी, इसीलिए आप पे सवाल हुआ और इसीलिए आप जो हो अभी दूर हटके अलका दीदी को वीडियो में ला चुकी हो। जो भाई दीदी जी अब मैं दूर बैठ के आराम से थिएटर में मूवी देखूंगी, और बस आप जो हो ना अश्लील के खिलाफ, तो ममता केस का ये सब का जो टेंशन है ना वो आप लेके अपने माथे पे घूमिए। और हमारी अलका दीदी इतनी थक चुकी है इतना सारा टेंशन लेके, इतना सारा इंसाफ लेके, जो क्या ही बताएं, जो आजकल ना हमको भी रोस्ट कर रही है। बताओ अपने वीडियो में, पर वीडियो बहुत अच्छा लगा था हमको, इसके लिए सही है वीडियो। ऐसे ही आप वीडियो बनाएंगे ना तो वो भी अच्छा लगेगा। अलका दीदी उसमें भी आप बहुत अच्छी लगती हो, बाकी जो फचर फचर होता है ना आपके वीडियो में उससे तो लाख गुना अच्छा था। कम से कम इंसान के चेहरे पे स्माइल तो लाए हो आप ये सब बात करके, बाकी क्यों ये सब झमेला? हमने आपसे एक सवाल पूछा था बस, उसका जवाब ही नहीं हमको मिल रहा है। हमको क्या, जितने लोग वीडियो बना रहे ना किसी को भी सवाल का जवाब मिल ही नहीं रहा है। और अलका दीदी आपसे एक पर्सनल हम बात करना चाहेंगे, आपकी जो तोतली है ना, जो आपकी चमची है, हमें आपकी दूसरी शादी के बारे में पता भी नहीं था। ये बात सीरियस है, मजाक नहीं कर रही हूँ। आपकी जो दूसरी शादी है वो हमको पता नहीं था, पर आपकी जो तोतली है ना वो पता है क्या कह रही थी? वो तो पर्सनल हो गया था, हमारी अलका दीदी की दो दो शादी हुई है तो क्या करे, बताओ। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगी, फैंस लोग आप लोग सुनिए, जो आदमी अपना घर का जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता है, जो दो दो शादी करके और अपना घर अलग से बसा के, वो क्या ही दुनिया के बारे में अच्छी बातें बताएगा, और वो आदमी क्या ही दुनिया को अच्छा दिशा दिखाएगा जब वो खुद का घर का इतना मैटर नहीं संभाल पाता है और उसकी पूरी यूट्यूब पे बदनामी हो चुकी है, तो वो आदमी किस तरीके से आप लोग को असलियत दिखा सकता है, बताइए। हमें तो कोई असलियत दिखता नहीं है, झूठे दिखता है उनके वीडियो में, खाली इंसाफ इंसाफ वीडियो वीडियो यही होता है उनके वीडियो में, इसीलिए हम उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं अपना। बाकी आप लोग को क्या राय है, नहीं है आप सबकी, तो अपनी बात जो है कमेंट में जरूर बताना। और तोतली मैं ये कहना चाहूंगी, तोतली तो आपके बारे में बता दी हमको, जो अलका दीदी की दो शादी हुई है तो वो मुझे पता चल गया, ठीक है, तो फिलहाल मैं इस पे कुछ बात नहीं करूंगी। तो ये कहना चाहूंगी मैं, आपकी जो पर्सनल बात है ना, आपसे ज्यादा आपकी चमचियां बता रही है दूसरों को, तो आप ये सोच लीजिए अलका दीदी, जो आपकी इमेज जो है ना गिर से गिरती जा रही है, एक चोत गोबर की ढक्कन बेअकल घोड़ी, वो पता है क्या कह रही है, अलका दीदी ने तो फोन लिया है, आईफोन लिया है, फोन जो होता है ना आईफोन होना चाहिए, और जो कि अलका दीदी को चलाना नहीं आता है, ये बात भी आपकी चमची ने बोली है। तो हम कह रहे हैं आप काहे नहीं बताते हो,
जब आपकी YouTube पे फैमिली है तो जो भी बात आपको शेयर करना होता है आपको, तो आप अपने चैनल पे क्यों नहीं बताती है? कहीं ऐसा तो नहीं जो आप चमचियों को बोलती हो जो ये बात मैं बोल नहीं सकती हूँ? तो तुम लोग बनाओ मेरा वीडियो और चमची लोग पूछते होंगे दीदी आज का क्या कॉन्टेंट है, क्या बनाऊँ आज, क्या बनाना है? अरे जल्दी बता दो, नहीं कुछ मिलेगा तो राखी क्वीन को रोस्ट कर दिया जाए या फिर उसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए। तो हम कह रहे हैं आप सभी का वीडियो जो है ना हमको अच्छा लगता है, हम देखते हैं पर हम उतना सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना सीरियस किसी का बात लेना तो इंसान दुनिया में दिखेगा ही नहीं, और जिसका नाम होता है ना उसको बदनामी भी होता है। तो इसीलिए मेरा नाम हो रहा है तो आप लोग बदनाम भी कर रहे हो, तो करिए भाई, आप लोग का चैनल प्रमोट हो रहा है, आप लोग का व्यूज आ रहा है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइबर का माला गले में टांग के घूम रहे हो, चैनल पे मक्खियां मर रही हैं, तो क्यों ना वीडियो बनाया जाए और उसको नीचा दिखाया जाए। तो मेरे फैंस लोग जो है ना दिल से जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, वही वीडियो को लाइक करते हैं, वही सब्सक्राइब करते हैं, और भगवान दया से मैं इतना ही चाहती हूँ जो मेरी बात जनता तक पहुंचे और जनता डिसाइड करे कि अलका दीदी सही है कि गलत है। क्योंकि अब तो जनता को भी लग रहा है जो अलका दीदी के वीडियो में कुछ रहता नहीं है, खाली सबूत सबूत सबूत, झूठ झूठ, ये सब। तो ये सब देखना जनता कब तक पसंद करेगी बताओ? जनता भी बोर हो जाती है एक कंटेंट से। तो अलका दीदी मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, आप कह रही हो जो मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी है, तो पुलिस जब सबूत के साथ दिखाएगी जो हाँ भाई ये मुजरिम है सजा दो इसको, तब आप वीडियो शूट करके हम सबको दिखा देना, तब हम मान जाएंगे। फिलहाल आप ना वीडियो मत बनाइए यार, इस टॉपिक पे वीडियो ही मत बनाइए ना, कितना आप और बेइज्जती करवाएंगी अपना, बेइज्जती आपकी हो रही है, कमेंट में आपको भी गाली दिया जा रहा है और आपसे बुरा मुझे लग रहा है। जो मेरी अलका दीदी को इतना गाली सुनने को मिल रहा है, इतना गाली सुनने को मिल रहा है, मैं क्या करूं? और अलका दीदी को मैं समझा रही हूं तो मेरी बात सीरियस नहीं ले रही है अलका दीदी। तो गाइस बात यही था, बस मैं इतना चाहती हूं, मैं किसी के पर्सनल नहीं जाती हूं, तो कृपया करके दूरी बनाए रखना और किसी के मामले में हाथ पांव मुंह घुसाने से पहले 10 बार सोच लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपना लाड दुलार ममता जो भी दीजिए वीडियो को। हम तो यही कहना चाहेंगे अलका दीदी की जो चमचिया है ना वो अलका दीदी की बात पे चलती है, जब अलका दीदी वीडियो बनाती है तो उन्हीं टॉपिक पे ये लोग भी वीडियो बना देते, इन लोग को और कुछ काम धंधा है नहीं, तो क्या ही बोले हम। अरे कुछ खुद का कॉन्टेंट लगाओ, खुद का दिमाग चलाओ, अब तो साफ साफ दिख रहा है मुझे क्या, जितने भी यूट्यूब पे है ना जो आप सभी को देखते हैं, आपकी मंडली को, सबको लग रहा है जो इन चमचों के दिमाग में ना गोबर घुसा हुआ है, भूसा जो कहते हैं ना भूसा, वो दिमाग में घुसा पड़ा है भाई। जो एक फिल्म नहीं था क्या, जो जीजा बोलेगा वही करूंगा मैं, तो यहाँ पर तो वो कहानी मैच हो गई, जो दीदी बोलेगा वही मैं करूंगी, तो यही है इन सबका, बाकी इन सबके वीडियो में कुछ रहता नहीं है। इनको ना गांधी जी के रास्ते पे नहीं चलना है, अलका दीदी के रास्ते पे चलना है, तो अलका दीदी और ये। तो गाइस तब तक के लिए बाय।